हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बिटमी दस फिंडर ऐप में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट स्टोर कैसे रजिस्टर करना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। इसके लिए आपको बिटमी दस फिंडर ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ये मैंने ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ दो ऑप्शन पूछा जाएगा, एक है क्रिएट योर अकाउंट, एक है क्लिक हियर टू लॉगिन। अगर आप बिटमी दस में नए हैं, आपने अभी तक अकाउंट रजिस्टर नहीं किया, तो क्रिएट योर अकाउंट पर आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। देन आपने पहले से ही अपने अकाउंट बनाया है, आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ क्रिएट योर अकाउंट करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको यहाँ फुल नेम डालना है, आपका फुल नेम एंटर करें। देन आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालनी है। देन आपका मोबाइल नंबर, ये हो गया मोबाइल नंबर। फ्रेंड्स, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी पहुंच जाएगा, वो आपको यहाँ एंटर करना है ओटीपी की जगह। देन आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। ये मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। देन रजिस्टर। फ्रेंड्स, ये अकाउंट आपका रजिस्टर हो गया है। ये अब हम स्टोर साइज से लिस्ट करें, ये मैं आपको दिखाऊंगी। आपको स्टोर लिस्टिंग में जाना है, आपकी शॉप का नेम आपको यहाँ डालना है। ये मैंने डाल दी शॉप की नेम। देन आपको शॉप की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन आपको अपनी लोकेशन सेट करनी है। फ्रेंड्स, आप ये करंट लोकेशन सेव होगी, तो इसके लिए आपका लोकेशन मोबाइल में ऑन रहनी चाहिए। देन सेव, तो मैंने सेव दे दिया है लोकेशन पर। आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। देन आपकी सिटी, देन आपका एरिया, देन आपका फुल एड्रेस। फ्रेंड्स, आपको यहाँ आपका पैन कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड या आधार कार्ड। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट ऑप्शन आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। ये आधार कार्ड हो गया। देन ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस आपका FSCAAI लाइसेंस आपको यहाँ डालना है। देन आपकी स्टोर की फोटो आपको ऐड करनी है और रजिस्टर। ये हो गया एक्शन कंप्लीटेड। आपको एक्सप्लोर पेज पर देना है, ये आपको ऑर्डर पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको हर तरह के ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, ऑल ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, आपको एक रेड सर्कल में जीरो दिखाई दे रहा है, जिसमें मेंबरशिप के डेज दिखाई देंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो। उसके ऊपर आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलनी है यहाँ बेल आइकन से मिल जाएगी। देन अपनी लोकेशन आप चेक कर सकते हैं। देन इधर ब्रांड के बगल में आपको थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहे हैं, ये मैं क्लिक कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आपको ग्रीन कलर लेबल दिखाई दे रहा है एक्टिव का। अगर आप किसी वजह से छुट्टी पर हैं या आप शॉप ओपन नहीं करना चाहते तो आप इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर आपने दुकान ओपन रखनी है तो आप एक्टिव कर सकते हैं। होम में वही कुछ शो होगा जो मैंने आपको दिखाया। देन प्रोफाइल सेटिंग, प्रोफाइल सेटिंग में आपको अपनी प्रोफाइल सेट करनी है।
फ्रेंड्स आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है डिलीवरी ऑप्शन, एक है पिकअप ऑप्शन। आपको जो चाहे आप यहाँ चूज कर सकते हैं। अगर आप होम डिलीवरी देना चाहते हैं तो आप होम डिलीवरी चूज कर सकते हैं। अगर आप तो किसी वजह से डिलीवरी नहीं दे सकते तो आप पिकअप ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ आप कितनी दूर तक दुकान अपनी दिखाना चाहते हैं ये आपको डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया 20 किलोमीटर। यहाँ आपको डिलीवरी चार्जेस, अगर आप डिलीवरी ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको यहाँ डिलीवरी चार्जेस डालने हैं। पर किलोमीटर आप कितना डिलीवरी चार्ज लेंगे, ये मैंने डाल दिया 20। देन फ्री डिलीवरी अबो। फ्रेंड्स आप अगर कोई ज्यादा खरीदारी करता है तो आप उन्हें होम डिलीवरी फ्री देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। आप अपने मन से यहाँ हिसाब लगा सकते हैं आपको कितने अमाउंट के बाद देना है, ये आप यहाँ सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया 1000। देन अपडेट, ये हो गई हमारी प्रोफाइल अपडेट। नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट ऐड करना है। आपको प्रोडक्ट का नेम डालना है। ये मैं प्रोडक्ट का नेम डाल रही हूँ। देन आपको यहाँ सब कैटेगरी डालनी है, ये मैंने डाल दी। देन आपको ओरिजिनल प्राइसेस का डालना है। फ्रेंड्स आपको यहाँ इसी नेम के बगल में आपको ये पर पीस या प्रोडक्ट के हिसाब से आपको यहाँ डालना है। ये ग्रेप तो पर पीस के हिसाब से ही आता है तो मैं यहाँ डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज। देन आपको यहाँ ओरिजिनल प्राइसेस का डालना है। देन आप ग्राहक को कितने में ये सामान बेचेंगे ये आपको डिस्काउंट प्राइस में डालना है। देन यूनिट में आपको पर पीस के हिसाब से यही सेलेक्ट करना है जो आपने ब्रैकेट में डाला। देन स्टॉक में आपके आपके पास कितना अवेलेबल है ये आपको स्टॉक में डालना है। देन डिस्क्रिप्शन, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ आप अच्छा सा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। देन प्रोडक्ट की फोटो ऐड करनी है। ये हो गया ऐड प्रोडक्ट। ये सक्सेसफुली प्रोडक्ट एडेड हो गया है फ्रेंड। देन ओके, नेक्स्ट आता है एडिट ऑप्शन। फ्रेंड्स आप अगर प्रोडक्ट को एडिट करना चाहते हैं या प्राइस चेंज करना चाहते हैं या प्रोडक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। देन ऑर्डर, आपको यहां हर तरह के ऑर्डर मिल जाएंगे। जैसे कि पेंडिंग ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर, ये सब आपको देखने मिल जाएंगे। देन रेटिंग एंड रिव्यूज, फ्रेंड्स लोगों की आपकी शॉप के बारे में क्या राय है आप ये रिव्यूज के थ्रू आप देख सकते हैं। देन सब्सक्रिप्शन, फ्रेंड्स ये सब होने के बाद आपको आपकी शॉप का सब्सक्रिप्शन करना है। आपको यहाँ जो चाहे पैक आप यहाँ यहाँ से ले सकते हैं, 30 डेज का, 90 डेज का, 180 डेज का, आप जितना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। मैं 30 डेज का पैक चूज करूँगी। जैसे ही मोबाइल को रिचार्ज करते हैं वैसे ही आपकी शॉप का भी मंथली रिचार्ज है ये आपको करना है। ये मैंने पे नाउ पर क्लिक कर दिया। आपको यहाँ बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट। मैं वॉलेट से करूँगी 180 118। आपको OTP डालना है इधर। देन ये हो गया एक्शन कंप्लीटेड। फ्रेंड्स ये हमारी शॉप
रजिस्टर हो गई है सब्सक्रिप्शन के बाद आप अपनी स्टोर बिजनेस कस्टमर ऐप में देख सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट आपको कोई बुक करे और अब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ कैसे करना है मैं आपको ये दिखाऊंगी। आपको बिजनेस कस्टमर ऐप इंस्टॉल कर लेना है, ये मैं ओपन कर लूंगी। ये मैंने ओपन कर लिया बिजनेस कस्टमर। फ्रेंड्स आप यहाँ बहुत से स्टोर देख सकते हैं, इसमें आपको एग्रीकल्चर स्टोर देखना है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट स्टोर। फ्रेंड्स यहाँ अब हमारी शॉप शो हो रही है, आपको वी स्टोर पर क्लिक करना है। ये आपको हमारा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, मैं ऐड कर लेती हूँ। ये हो गया प्रोडक्ट एडेड, ये कार्ट में सेव हो गया है। अब मैं ओपन कर लेती हूँ कार्ट से। देन आपको प्राइस देके चेकआउट दे दूंगी। ये मैंने पहले से ही ऑफिस एड्रेस सेव किया हुआ है तो मैं ऑफिस पर क्लिक करती हूँ। ये होगा कंटिन्यू, सक्सेसफुली ऑर्डर्ड। ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है फ्रेंड। देन बिजनेस वेंडर ऐप में चलते हैं। आपको ऑर्डर में जाना है, आप यहाँ आपका ऑर्डर देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये हो गया है हमारा ऑर्डर, आप यहाँ प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कस्टमर की लोकेशन भी जान सकते हैं। ये मैं एक्सेप्ट दे देती हूँ, देन ये कंफर्म ऑर्डर में सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स ये कंफर्म ऑर्डर में आ गया है। अगर आपने ये ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ कंप्लीटेड भी डाल सकते हैं, ये डिलीवर्ड ऑर्डर में सेव हो जाएगा। आप डिलीवर कर देंगे तो आपको वो डिलीवर्ड ऑप्शन चूज करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी स्टोर हमारे वेंडर ऐप में लिस्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और पेमेंट भी हो सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।